चलेगी आज 50। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप आप लोग सभी ठीक होगे। तो आज तो बाहर बिल्कुल कोहरा कोहरा है और हमारे यहाँ के बच्चे दे रहे हैं पेपर आदर्श। और ये आदर्श बिल्कुल, ये देखो होम एग्जाम में ऐसे ही होता है। ये देखो लैपटॉप लेके लिख रहा है, बिल्कुल टीप रहा है। और कार्तिक भैया इसकी हेल्प कर रहा है। कार्तिक भैया बिल्कुल हेल्प नहीं करो, इसकी हट जाओ, लिखने दो। छोटा है लेकिन नेट ही से तो निकाल के लिख रहा है। और इसकी नाक देखो कैसी छिल गई है, गिर गया था। बाकी रूम में भी, अदर रूम में भी दीदी लोग दे रही हैं पेपर, तो जाते हैं। तो जो बुल्ली दीदी पेपर दे रही, स्वीटी दीदी, और जो मोटू को देख रहा है, लोट लोट को देख रहा है बुक से, और लाडो इनको डिस्टर्ब कर रही। लाडो मोटे के ऊपर बैठ जाओ, इसके ऊपर बैठ जाओ। ये है गद्दा ही, ये है गद्दा ही, ये गद्दा अच्छा अच्छा मोटे उठ के बैठ कर लिख। मोटे जोगिंदर, गोलू जोगिंदर, ये गोलू जोगिंदर पेपर दे रहा है शांति से। तो पेपर दो, हाँ टीप टीप के लिख रहा है तुम लोग। ये देखो जी टीप टीप के लिख रहे जी, मोबाइल है जी, बिल्ली दीदी जी, सभी दीदी जी मोबाइल रख के लिख रहे जी सब। हाँ नकल छुट्टी हमारी लाडो अच्छी बैठी है, लैया खा रही। मैम ने देख लिया दोस्तों। तो अब मैं मैच खेल लिया, घर में सही अच्छे पेपर दे रहा था लोग साथ नहीं, तो ये लड़के मैच खेल रहे हैं। और बाकी कोहरा देख रहे हैं आप चारों साइड, बिल्कुल कोहरा ही कोहरा। हाँ बड्डे रुक जा, अभी दिखा रहा, टेंशन ना लो। तो गाइस फॉग ही फॉग है पूरे चारों तरफ, दिखाता हूँ बैक कैमरा कर लेंगे, तब भी अपने जोश के साथ क्रिकेट आज खेल रहे हैं दोस्तों। तो आप ये फॉग देख सकते हो चारों साइड, हम लोग के यहाँ कोहरा बोलते हो आके आप लोग की भाषा में फॉग। ये देखो, और ये देखो चारों तरफ फॉग ही फॉग। ये देखो गाइस कुछ फॉग के कारण दिखाई नहीं दे रहा कैमरा, फॉग ही जम गया। और ये बहुत ही बढ़िया कैच, 6 रन। अरे पूरी बन रही ना वीडियो। ए भाई का सकत पूरा हुआ। तो गाइस हम लोगों ने मैच खेल लिया है, आज मैंने हाफ सेंचुरी 59 रन मारे। कितनी बॉल पे? 17 बॉल पे आज 59 रन मारे, आज सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए मैंने अपने गांव में। हाईएस्ट 59 रन, और बॉल घूम गई है ऐसे मारे हैं, बॉल मिल नहीं रही है। तो अब हम लोग जा रहे हैं बिजौरी, और गोली भैया गोली का हेयर कट कराना है, और नाश्ता पानी करेंगे। आज कुछ नहीं बना, और आज मौसम देख सकते हैं चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। तो गाइस मिलते हैं बिजौरी में दोस्तों। तो हम लोग अब बिजौरी आ चुके हैं, वो भी दीपक भैया की दुकान में, जो कि अभी क्वारंटाइन से बहुत दिन बाद वापसी हुई उनकी बाबा महाकाल की गेम। तो अभी हम बैक कैमरा करके उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आंसर देंगे, देखते हैं उनके आंसर्स कैसे रहते हैं। नहीं पहले अभी दीपक भैया से पूछेंगे, बाकी किसी दूसरों को रिव्यू लेंगे, बाकी अभी पूछते दीपक भैया से। तो ये हैं दीपक सेन, जो कि बाबा महाकाल हेयर कट के कार्यकर्ता है, मतलब इन्हीं यही चलाते हैं। दीपक भैया अभी आप क्वारंटाइन से आए हो, मतलब बोले तो मतलब आपको कोरोना नहीं हुआ था, आपके फादर को हुआ था जस्ट, बट आपको नहीं हुआ था, उनके चक्कर में भी आपको क्वारंटाइन हुआ होना पड़ा था। तो आपको आप 13-14 दिन आपने काटे, तो आपको कैसा लगा? काफी तकलीफ उठानी पड़ी मुझे, तकलीफों का सामना करना पड़ा। हाँ मेरे को तो कोरोना नहीं था, लेकिन मेरे फादर को कोरोना हुआ था, तो मैं उस समय मैं भी क्वारंटाइन हो गया था। कि क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से कोरोना बढ़ता है। हाँ। मैंने अपनी सुरक्षा प्लस सभी ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए मैं घर में ही 14 दिन काटे थे मैंने।
पक्का 14 दिन पूरे थे? 14 दिन पूरे हुए और मुझे जब बाहर से डॉक्टरों की अनुमति मिल गई तब जाके मैंने इस पार्लर को खोला। चलो ठीक है, तभी ये कोमल भैया अभी आपने कटाया, आपको कुछ अनुभव हो रहा है? कुछ अजीब टाइप का तो नहीं लग रहा है कि मतलब बॉडी में कुछ अजीब टाइप का लग रहा हो? है बिल्कुल सही हो ना, राइट हो ना, है ना। तो एक और जो ग्राहक आ गए हैं कटवाने हेयर कट, दीपक भैया मतलब आप पूरे सेफ हो, बाकी सबको सेफ रखो। दोबारा भी जांच कराई थी तो मैं नेगेटिव आया, मेरे फादर भी नेगेटिव आए हाँ। और इसी रिपोर्ट का इंतजार करता रहा मैं, इसीलिए इतने दिन बंद रखी रही मैंने दुकान। जब मैंने देखा कि मैं नेगेटिव हूँ, मेरे फादर से भी नेगेटिव, एक दो जन की और रिपोर्ट मैंने जांच कराई थी हाँ। सब नेगेटिव आए तब जाके मैंने ये दुकान खोली। चलो तो फाइनली गाइस, तो मैं आ गया था दुकान से, दुकान में भी बैठना पड़ा, गोलियों ने हेयर कट तो कराया और मेरे को दुकान में बैठना पड़ा। और आके मैंने और आज एक दीपक सेन करके बाजू में कटिंग वाला, आज उसका फिर से रिव्यू लिया हूँ मैंने, क्योंकि आज उसको कोरोना था, उसके फादर को कोरोना हो गया था, तो उनने बताया कैसे क्या गुजारे उनको बिल्कुल नहीं था। तो आज उनसे फाइनली मीटिंग हुई दीपक सेन से, और अभी क्रिकेट खेल लिए, खेलने गया था मैं, इसलिए क्रिकेट खेल के मोबाइल नहीं लेने क्योंकि आज बाहर की टीम आई थी, ध्यान लगा के खेलना था। तो गाइस आज मैच बराबर रहे, 2 वो जीते 2 हम जीते। तो अब मैं आ गया हूँ जिम करने छत में, क्योंकि थोड़ी सी पावर की ज़रूरत पड़ती है, सामने के खिंचते नहीं है, तो थोड़ी जिम कर लूँ कि सामने के हिट्स खिंच जाए मेरे से, खिंच जाते हैं वैसे टाइमिंग जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी पावर अलग रहती तो और अलग से खिंचते शॉट्स। गाइस तो आप ये व्यू देख सकते हैं, चारों तरफ का व्यू मेरे घर के पास का, वापस साहिल ब्लॉगर इज बैक। तो गाइस अब मैं जिम करूँगा, तो मिलते हैं, अभी जिम के थोड़े से शॉट्स ले लूँ करने के। मैंने जिम कर चुकी है, अभी आधा घंटा कर लिया है मैंने, और अभी बज रहे हैं 6। तो अब कुछ रूटीन तो है नहीं, कुछ घर से बाहर आ जाएंगे, तो अब मैं घर ही में रहूँगा। तो मैं आज ब्लॉग छती में ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि अब कुछ आगे कुछ है नहीं बताने के लिए, ना आपको ना मेरे लिए कुछ है। और अभी तो स्कूल कॉलेज बंद है, तो मैं कॉलेज में हूँ, सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कॉलेज अभी 31 दिसंबर तक बंद है। तो अभी गाँव ही में है, गाँव ही में देख तो ऐसे टाइम पास करते रहते थे, उधर मैच दिन भर दुकान चले जाते हैं। ये पीछे दिख रहा है हमारा मोटर स्टैंड, जहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पीछे टीन का सेट लगा है, ट्रैक्टर्स वगैरह खड़े हमारे। तो गाइस मैं ये ब्लॉग इधर ही एंड कर रहा हूँ, आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आई, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, और जो भी चैनल पर नया सब्सक्राइब करना बिल्कुल, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।